नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इंडिया टू डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ डिफेंस डिस्कशन का एपिसोड 23 और इस एपिसोड में बात करने वाले हैं आज ही अनाउंस किए गए एंटी सैटेलाइट वेपन के सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में और जानेंगे कि इंडिया का एंटी सैटेलाइट वेपन किस तरह से काम करता है और फ्यूचर में क्या क्या एडवांटेज इंडिया को मिल सकते हैं इस एंटी सैटेलाइट वेपन से। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंटी सैटेलाइट वेपन होते क्या हैं। वैसे तो हम इसके हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी पूरी वर्किंग हमें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। आपको बता दूँ ये एंटी सैटेलाइट स्पेस वेपन बनाए गए होते हैं दुश्मन के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बेसिकली इनको दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया होता है, जिससे कि वो अपने स्पाइंग या फिर मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होंगे, तो उनको डिस्ट्रॉय करके दुश्मन को लाचार बनाया जा सकता है। और इस तरह की कैपेबिलिटी अभी तक US, रशिया और चाइना के पास थी, लेकिन अब तो जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि एक 300 किलोमीटर मिसाइल के टेस्ट के लिए नवेरिया वार्निंग इशू की गई थी 21 तारीख को, और ऐसा अनुमान था कि वो नवेरिया वार्निंग निर्भय के टेस्ट के लिए थी, लेकिन नहीं, अब जाके ये क्लियर हुआ है कि वो 300 किलोमीटर की जो रेंज बताई जा रही थी वो इस मिसाइल की थी जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन के रूप में यूज की जानी थी। तो चलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इस वेपन को सबसे पहले अमेरिका ने 1959 में टेस्ट किया था, उसके बाद 1960 में रशिया ने टेस्ट किया था, और उसके बाद 2007 में चाइना ने इसे टेस्ट किया। और उसके टेस्ट के बाद बहुत सारे जो डेब्रिस होते हैं, मतलब जब आप अपने किसी मिसाइल से एक अनयूज सैटेलाइट को मार देते हो तो उसका जो मलबा होता है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो इसी तरह जब चाइना ने अपना ये टेस्ट कंडक्ट किया था तो चाइनीज सैटेलाइट का जो मलबा था वो कई दिनों तक आउटर स्पेस में घूमता रहा और उसने अदर सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचाया, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे। और 27 मार्च को ये खबर आ रही है कि इंडिया ने भी अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट कर लिया है, जिसे अब्दुल कलाम आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड से टेस्ट किया गया है। और इस मिसाइल को डेवलप किया है इंडिया के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, जिसने 300 किलोमीटर दूर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इंडिया के ही एक पुराने सैटेलाइट को मार गिराया है। और इस बारे में बयान देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह बताया कि हमारे ही एक यूजलेस सैटेलाइट जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट में था उसको हमने प्रिसीजन के साथ एज प्लांट डिस्ट्रॉय किया है, जो कि इंडिया के डिफेंस में सैटेलाइट्स को मार गिराने की सलाहियत को दर्शाता है। इंडिया ने इस पर काम करना 2010 से स्टार्ट किया था और उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर वी के सरस्वत ने बताया था कि इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी आने वाली है जिसके अंतर्गत किसी भी हॉस्टाइल टारगेट को जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट में होगा या फिर पोलर ऑर्बिट में होगा उसको इंडिया मार गिराने में सक्षम होगा। तो ये बयान आया था 2010 में वीके सरस्वत जी का, और उसके बाद ही इंडिया का एंटी सैटेलाइट मिशन जिसे शक्ति के नाम से बताया जा रहा है वो वजूद में आया। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एंटी सैटेलाइट काम कैसे करता है। तो बेसिकली जिस भी दुश्मन का सैटेलाइट आपको ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले आपके रडार्स उस सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करने के बाद इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया जाता है तब वो जाके टारगेट को हिट करता है। तो यहाँ पे ये डिफेंस सिस्टम किस प्रकार का है कि वो इतनी दूर जाके टारगेट को हिट करने में सक्षम होता है, वो भी एक लोअर स्पेस में, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है इसे हम जानने वाले हैं कि ये डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं वो भी अपनी हाफ ताकत से आसमान में फेंकते हैं तो वो एक कर्व बना के कहीं गिर जाएगा कम ही दूर पे, लेकिन आप उसी पत्थर को एक पूरी ताकत से फेंकोगे तो वो काफ़ी ऊंचाई अचीव करेगा और दूर जाके गिरेगा। तो ठीक उसी तरह किसी स्पेस के टारगेट को हिट करने के लिए मिसाइल को इतनी पावर दी जाती है कि वो अपने पीक थ्रस्ट में सैटेलाइट के ट्रैक्ड पाथ को जाके हिट कर दे। तो इसका प्रोपल्शन सिस्टम किस तरह का होता है ये जान लेते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि SFDR के ऊपर था, उसमें हमने बताया था कि प्रोपल्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ वहाँ पे तो जो प्रोपल्शन सिस्टम था वह सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम था, लेकिन एंटी सैटेलाइट मिसाइल में जो प्रोपल्शन सिस्टम यूज होता है वो दो स्टेज में यूज होता है, जिससे कि मिसाइल का वेट मैनेज किया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, दो स्टेज में यूज किया जाता है इसके प्रोपल्शन सिस्टम को। पहले स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं और दूसरे स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं, और लिक्विड प्रोपेलेंट में फ्यूल होता है एक प्रकार का, उसके साथ ऑक्सीडाइजर ऐड किया जाता है, और ये होता है तकरीबन 80-20 के रेशियो में, 20% ऑक्सीडाइजर होता है और 80% फ्यूल होता है। वहीं पे जो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट होता है वहाँ पे ऑक्सीडाइजर नहीं होता है, अपने सॉलिड फ्यूल को बर्न कर रहा होता है, और जैसे ही ये सॉलिड फ्यूल बर्न हो जाता है तब जाके फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद इसको एक मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए होता है क्योंकि जो दुश्मन का सैटेलाइट है वो मनूवर कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो एक रोटेटिंग और मनूवरिंग टारगेट को हिट करने के लिए हमारे मिसाइल के पाथ में
उसको पीक थ्रस्ट चाहिए होता है और उस दरमियान ये जो लिक्विड प्रोपेलेंट है ये इग्नाइट हो जाते हैं। और इतना तो आपको पता ही होगा कि लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करने वाले जो भी सेक्शन है या फिर जो भी मिसाइल होता है वो हाईली मनूवर होते हैं, और जितना ये नज़दीक पहुँच रहे होते हैं सेटेलाइट को हिट करने के लिए तो इनकी स्पीड उतनी ही तेज़ हो जाती है और तब जाके ये सेटेलाइट को हिट कर पाते हैं। और इनकी स्पीड तेज़ होने के वहाँ पे रीजंस भी हैं, जबकि जैसे कि जब इसके फर्स्ट स्टेज का सॉलिड फ्यूल बर्न हो जाता है तो इसका वेट हल्का हो जाता है, और जैसे जैसे लिक्विड फ्यूल भी बर्न होना शुरू हो जाता है तो इसका वेट और भी हल्का हो जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि इसकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है। और एक्स्ट्रा थ्रस्ट तो वैसे भी मिल रहा होता है लिक्विड बेस्ड प्रोपेलेंट से। और आपको एक चीज़ और मेंशन कर देना चाहूँगा कि जो भी रॉकेट सिस्टम्स होते हैं उनसे इन मिसाइल के लिक्विड प्रोपेलेंट क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो रॉकेट सिस्टम होते हैं उनमें बेसिकली किरोसिन यूज किया जाता है लिक्विड प्रोपेलेंट के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिला के, लेकिन यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है जो कि इसकी थ्रस्ट पावर को एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव करता है। और एक बार जब ये अपने पीक थ्रस्ट पे पहुँचता है और दुश्मन के सैटेलाइट को हिट कर देता है तो उसके बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो भी डेब्रिस होगा, मलबा होगा, वो उस सैटेलाइट के साथ अर्थ के आउटर स्पेस में घूमता रहे, लेकिन वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये थी इसकी कार्यप्रणाली, इस तरह से कोई भी इंटर सैटेलाइट काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ करके इंडिया क्या क्या अचीव कर सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैं ये मानता हूँ कि इसका यूज करके अगर आप किसी दुश्मन के ऐसे मिलिट्री सैटेलाइट को उड़ा देते हो जो कि आपके दुश्मन देश को वार्निंग वाली इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब आप अपने दुश्मन देश पे अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते हो तो उनके पास आ रही इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल की इन्फॉर्मेशन उनका सैटेलाइट उनको प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने से पहले उनके सैटेलाइट को पहले उड़ा दो और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ो, तो उस बैलिस्टिक मिसाइल को वो डिफेंस नहीं कर पाएंगे और इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके इंटरसेप्शन के लिए कोई सैटेलाइट ट्रैकर उनके पास नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मेन एडवांटेज मानता हूँ मैं, और जिसकी वजह से दुश्मन आपके काबू में रहेगा हमेशा। बात कर लेते हैं सेकंड एडवांटेज की। अगर सेकंड एडवांटेज में बात करूँ तो दुश्मन के या फिर हमारे इंडिया के भी जो भी शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, कॉर्बिट होते हैं, इन सब के जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ये बेसिकली मिलिट्री सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। अपने आप को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री सैटेलाइट से ये जुड़े होते हैं। तो अगर आप दुश्मन की नेवी को कब्जे में करना चाहते हो तो सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन उड़ा दो, उसके बाद आप दुश्मन के नेवी पे विजय पा सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की। तीसरे एडवांटेज में आप बात करते हो तो कोई भी दुश्मन देश अपने रडार्स और अवेक्स सिस्टम में, तो कोई भी दुश्मन देश मतलब अगर आपका दुश्मन एडवांस है जैसे कि चाइना, तो वो लोग भी कम्युनिकेशन के लिए KU बैंड का यूज़ करते हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करता है अवेक्स सिस्टम्स में। तो अगर आप इस तरह के अवेक्स सिस्टम्स के कम्युनिकेशन को ही काट दोगे तो ये अवेक्स सिस्टम अपने अदर एयरक्राफ्ट से बात कर नहीं पाएंगे और सेफली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और जिसका नतीजा ये होगा कि पूरा एयरफील्ड वॉर जोन आपके कंट्रोल में होगा। और इसके चौथे एडवांटेज मैं आपको बता दूं कि आपके दुश्मन देश के पास अगर कोई स्पाई सैटेलाइट है, वो फोटोग्राफी कर रहा है, जैसे कि हमारे पास कार्टोसेट है, ठीक उसी तरह का कोई सैटेलाइट है आपके दुश्मन देश के पास, तो आप उन सबको डिस्ट्रॉय करके एडवांटेज ले सकते हो। तो ये कुछ मुख्य एडवांटेज हैं एंटी सैटेलाइट वेपन के आने से। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट की। तो आज के टेस्ट के बाद जिसके अनुसार हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी क्षमता में इजाफा किया है, पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये क्षमता हमारे पास अब आ चुकी है, तो एक तरह से हमने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है आज, और इस चीज़ को आने वाले दिनों में और भी पक्का किया जाएगा और इस तरह के वेपन्स की रेंज और बढ़ाई जाएगी। और आपको बता दूं इस तरह के ही वेपन डेवलप करने में इसराइल भी लगा हुआ है 2013 से, और अभी उनके पास इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं है। सो इस लिहाज से एक भारतीय होने के नाते मैं अपने देश के सारे साइंटिस्टों को दिल से थैंक यू और कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। तो ये थी इंडिया के एंटी सैटेलाइट वेपन के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।